तो यार सामने आप देख सकते हैं, आज आपके सामने प्रेजेंट है होंडा एक्टिवा 125 cc स्कूटर 2023। इसका ये न्यू मॉडल है BS6 Phase 2 वाला। इसमें आपको इंजन मिल जाता है और साथ ही में इसमें आपको जो है कुछ नए अपडेट भी देखने को मिल जाते हैं। तो एक्टिवा का मेरे चैनल पे जो है फर्स्ट टाइम रिव्यू होने वाला है, तो इस वीडियो में आपको इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है कि इसमें 2023 में कौन कौन से आपको नए फीचर्स मिलते हैं, इसकी न्यू ऑनरोड प्राइस क्या है, माइलेज वगैरह इसमें कितना मिलता है, स्कूटर से रिलेटेड इस वीडियो में आपको जो है काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। तो वीडियो को एंड तक ध्यान से ज़रूर देखना। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। तो सबसे पहले जैसे कि काफ़ी सारी बाइक स्कूटर में आपको देखने को मिल रहा है E20 का अपडेट, तो सामने आप देख सकते हैं E20 का आपको बैचिंग मिल जाती है, यानी कि इस स्कूटर में भी होंडा एक्टिवा 125 में भी अब आपको E20 20% इथेनॉल वाला अपडेट मिल जाता है। इग्निशन को ऑन करते ही इसका जो हेडलाइट है ऑन हो जाता है। फ्रंट लुक आपको जो है कुछ ऐसा मिल जाता है, LED में इसमें आपको हेडलाइट मिल जाता है और नीचे आप देख सकते हैं इसमें आपको DRL भी मिल जाती है और इंडिकेटर जो है इसमें आपको बल्ब में मिल जाते हैं। तो फ्रंट में इसमें आपको DRL वगैरह LED हेडलाइट मिल जाता है और आपको फ्रंट में क्रोम का भी यूज़ देखने को मिल जाता है, जिस वजह से इसका जो है फ्रंट लुक काफ़ी ज़्यादा बेटर अट्रैक्टिव बन जाता है। सही बात है। मीटर कंसोल कुछ इस तरीके से स्टार्ट होता है, एनालॉग एंड डिजिटल के कॉम्बिनेशन में इसमें आपको मीटर कंसोल मिल जाता है, जिसके दोनों साइड में आपको मिलते हैं कुछ इंडिकेटर। जैसे कि सबसे पहले इसमें आपको इको इंडिकेटर मिल जाता है, जिसको फॉलो करने से आपको आपकी स्कूटर में काफ़ी बेटर माइलेज मिल जाएगा। बाकी इसमें आपको टर्न सिग्नल, हाई बीम, इंजन मालफंक्शन लाइट और साइड स्टैंड के भी आपको जो मीटर कंसोल में वार्निंग यानी कि उसका इंडिकेटर देखने को मिल जाएगा। जब भी साइड स्टैंड नीचे होगा ये वार्निंग आपको जो मीटर में शो हो जाएगी। और डिजिटल पार्ट में जो फीचर्स मिलते हैं उसकी बात करें तो टाइम यहाँ पर शो हो जाता है, साथ ही यहाँ पर आपको ओडोमीटर, सिंगल ट्रिप मीटर और रियल टाइम माइलेज का भी इसमें आपको फीचर मिल जाता है। टोटल एवरेज जो स्कूटर का वो भी आप देख सकते हैं और इसमें आपको किलोमीटर रेंज का भी फीचर मिल जाता है, जिससे आपके स्कूटर में जितना फ्यूल है उसमें कितना और चलेगी ये आपको पता चल जाता है। बाकी फ्यूल गेज यहाँ पर आपको मिल जाता है और सर्विस रिमाइंडर का भी इसमें आपको फीचर मिल जाएगा। कितनी ऑसम है। लेफ्ट हैंड साइड में स्विचेस की बात करें तो यहाँ पर आपको लो बीम, हाई बीम प्लस पासिंग, इंडिकेटर, हॉर्न ये सारे स्विचेस मिलते हैं। और राइट साइड में यहाँ पर आपको मिलता है इंजन स्टार्ट स्टॉप स्विच। होंडा एक्टिवा 125 में आपको फ्रंट में टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिलते हैं, जिसके दोनों ही साइड में आपको रिफ्लेक्टर्स मिल जाएंगे सेफ्टी पर्पज से। ब्लैक कलर में यहाँ पर आपको अलॉयज मिल जाते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं ड्रम वेरियंट आपके सामने प्रेजेंट है, जिसमें आपको 130mm का ड्रम मिल जाता है और इसमें आपके लिए अगर आप चाहे तो डिस्क ब्रेक वेरिएंट भी परचेस कर सकते हैं। दोनों में ही आपको जैसे कि ड्रम में भी और डिस्क में भी आपको CBS कॉम्बी ब्रेकिंग मिल जाती है, जिससे अगर हम रियर का ब्रेक दबाते हैं तो उसके साथ में जो है फ्रंट का भी अप्लाई हो जाता है। फ्रंट में आपको 90x12 inches अलॉय व्हील के साथ यहाँ पर ट्यूबलेस टायर मिलते हैं। ट्यूबलेस टायर अच्छी बात है, ट्यूबलेस टायर इसमें आपको मिल जाते हैं, ये बड़ी अच्छी बात कही आप। बाकी यार रियर में आपको मिलते हैं 3-step एडजस्टेबल स्प्रिंग लोडेड सस्पेंशन और रियर में आपको मिलता है 90x112 inches अलॉय के साथ ट्यूबलेस टायर। तो यहाँ पर आपको स्पेस मिल जाता है, जिसमें अगर आप चाहो तो मोबाइल वगैरह, बॉटल वगैरह, वाटर बॉटल जो भी है उसको यहाँ पर रख सकते हैं या फिर जो भी आपकी मर्जी है वो रख सकते हैं, स्कूटर आपका है। सही बात है। और नीचे आपको दोनों ही साइड में जैसे कि सीट के नीचे और यहाँ पर भी आपको हुक मिल जाता है, की सिस्टम आपको यहाँ पर मिल जाता है और अब आपके लिए जो इसमें HSmart का भी ऑप्शन है, जिसमें की कोई ज़रूरत ही नहीं होती, रिमोट से आप जो है उसको ऑपरेट कर सकते हैं। तो अगर आप चाहे तो उस स्मार्ट फीचर वाले वेरिएंट को भी परचेस कर सकते हैं। एक्टिवा 125 की जो की है ना वो आपको कुछ ऐसी मिल जाती है, सीट यहीं से आप ओपन कर सकते हैं, फ्यूल कैप वगैरह सब कुछ यहीं से ओपन कर सकते हैं। सीट को आप देख सकते हैं आपको काफ़ी लॉन्ग सीट इसमें मिल जाती है, कुशनिंग भी अच्छी है, तो राइडर पिलियन दोनों के लिए यहाँ पर जो है काफ़ी अच्छी खासी जगह मिल जाती है और कंफर्ट भी यहाँ पर काफ़ी अच्छा मिल जाएगा। सीट के नीचे आपको कुछ ऐसी जगह मिल जाती है जिसमें आप अपना काफ़ी कुछ सामान यहाँ पर रख सकते हैं। 5.3 liter की कैपेसिटी के साथ इसमें आपको फ्यूल टैंक मिल जाता है और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि इसमें माइलेज कितना मिलेगा, तो यार एक अंदाजे से इसमें आपको 45 से 50 के आसपास माइलेज मिल सकता है। बाकी माइलेज किस पर डिपेंड करता है, राइडिंग स्टाइल और हमारे यूज़ पर, जिस तरह से हम बाइक स्कूटर को यूज़ करते हैं उस तरह से हमें जो है उसमें माइलेज मिलता है। तो एक्टिवा 125 का जो रियर लुक है वो आप देख सकते हैं। टेल लाइट इसकी जो है काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, एक्चुअल में ये है बल्ब में, लेकिन जो इसका लुक है यानी कि ये फील देती है LED वाला। साइड स्टैंड, सेंटर स्टैंड यहाँ पर आपको दोनों ही मिल जाते हैं, साइड स्टैंड इंजन कट ऑफ सेफ्टी फीचर के साथ। एक्टिवा 125 में आपको इंजन मिलता है 124 cc का, जिससे आपको पावर मिलती है,
8.30 PS की 6250 RPM पर, टॉर्क यहाँ पर आपको मिल जाता है 10.4 Nm का 5000 RPM पर। तो अच्छा खासा यहाँ पर आपको जो है स्कूटर से परफॉर्मेंस मिल जाएगा, इनिशियल भी यहाँ पर काफ़ी बेटर मिलता है। और इसमें आपको मिलता है होंडा का काफ़ी ज़्यादा रिलायबल रिफाइंड इंजन, जो कि होंडा कंपनी का काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग पॉइंट है। तो स्कूटर का जो टोटल लुक है वो आपको जो है कुछ ऐसा मिल जाता है, स्क्रीन पर आप देख ही सकते हैं। बाकी यार शोरूम की सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, अगर आप इसके आसपास से बिलोंग करते हैं तो आप यहाँ पर विजिट कर सकते हैं, बाइक स्कूटर जो भी आपको परचेस करना है उसका टेस्ट ड्राइव यहाँ पर ले सकते हैं। ऑन रोड प्राइस इसकी हमारे यहाँ पर मिल जाती है 1,04,000। बाकी इसमें जो है अलग अलग वेरिएंट भी मिलते हैं तो उसमें भी आपको प्राइस डिफरेंस मिलेगा, और साथ ही में आपको जो है स्टेट बाय स्टेट भी प्राइस में कुछ डिफरेंस मिलेगा। तो यार काफ़ी सारे अच्छे खासे इसमें आपको फीचर्स मिल जाते हैं, जैसे कि इसमें आपको LED हेडलाइट वगैरह कुछ स्मार्ट फीचर भी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाते हैं। तो यार स्कूटर में आपको क्या क्या फीचर्स मिलते हैं इसकी इन्फॉर्मेशन तो मैंने आपको दे दी, बाकी स्कूटर से रिलेटेड आपको क्या लगता है, क्या आपका ओपिनियन है, ये आप कमेंट करके ज़रूर बताना। और यार एक इम्पॉर्टेंट बात, अगर आपको स्कूटर परचेस करना है या फिर आपको जो है बाइक भी परचेस करनी है तो सबसे पहले उसका आपको टेस्ट ड्राइव ज़रूर लेना है। बाकी यार वीडियो इन्फॉर्मेशन अगर आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर से करना। बाकी जल्दी मिलते हैं किसी और वीडियो में, वीडियो को यहाँ तक ध्यान से देखने के लिए थैंक यू सो मच।